इस बाइक का सबसे पहले हम एक जो साउंड सुन लेते हैं, देखते हैं नई वाली साइन में कुछ चेंजेस हुए हैं नहीं। और यहाँ से आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताओ इसका साउंड कैसा लगा या कुछ चेंजेस हुए हों। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले 2022 मॉडल होंडा की सीवी साइन के बारे में, इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सीधी बात करने वाले हैं नो बकवास, सो दैट हम ना लगाते वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। काफ़ी सारी हम बातें करने वाले हैं इस बाइक के बारे में जो कि आपको जानना चाहिए। सबसे पहले हम इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। इसकी आपको ऑन रोड प्राइस पड़ने वाले डिस वाले वेरियंट की 95,000 के आसपास विद एसेसरीज, हेलमेट, पार्किंग कवर, सीट कवर सब कुछ आ जाएगी इसके अंदर। अभी हम इस बाइक के बारे में डिटेल से जान लेते हैं, उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या चेंजेस हुए हैं। उसके लिए आपको बाइक को ऑन करना पड़ेगा, सो हम बाइक को ऑन कर लेते हैं। ये रही इस बाइक की की, आपको कुछ ऐसी की मिलने वाली है। और बाइक को अभी हम ऑन कर लेते हैं और ये आपका किल स्विच यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। बहुत ही साइलेंट तरीके से ये बाइक स्टार्ट होती है। और यहाँ पे देखो मैं साइड स्टैंड लगा देता हूँ, ये देखो साइड स्टैंड लग गया। और ये मैं क्लच प्रेस कर लेता हूँ, ये मैंने क्लच प्रेस किया। उसके बाद मैं गियर लगा देता हूँ जो कि पीछे की तरफ लगने वाला है। इसमें आपको 5-speed गियर बॉक्स मिल जाते हैं, ये मैं लगा दिया। और जैसे मैंने गियर लगाया वैसे ही आपकी बाइक बंद हो चुकी है। अभी आपको इसमें मिल जाता है साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर जो कि पुराने वाले मॉडल में नहीं था। इसकी वजह से अगर आप बाइक स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन जैसे आप गियर लगा के आगे चलने की कोशिश करोगे वैसे ही आपकी बाइक बंद हो जाएगी अगर आपका साइड स्टैंड लगा रहेगा। तो देखा जाए एज अ सेफ्टी फीचर बहुत अच्छा अपडेट हुआ है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो जाते हैं साइड स्टैंड लगने की वजह से, ब्रेकर पर टकरा जाते हैं, बाइक का डिसबैलेंस हो जाता है एंड बाइक गिर जाती है, हमें चोट आती है, बाइक को तो लगता ही है। सो और सेकंड अपडेट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो मीटर कंसोल पे, यहाँ पे आपको साइड स्टैंड इंडिकेटर मिल जाएगा, मतलब आपको पता चलने वाला है कि साइड स्टैंड आपका लगा है, जो कि ये भी एक अच्छा अपडेट है। कूल सा छोटा सा है लेकिन यूजफुल है। और अपडेट की बात करें तो और ज़्यादा कुछ अपडेट तो नहीं हुए, इसको पहले मैं ऑफ कर देता हूँ। और कुछ अपडेट रहेंगे उसके बारे में हम वीडियो में बात करेंगे, जो मेन अपडेट था मैंने आपको बता दिया। और अभी हम चलते हैं फ्रंट में, थोड़ा डिटेल से हम जान लेते हैं इस बाइक के बारे में। सो इस बाइक का फ्रंट व्यू आपको कुछ ऐसे मिल जाएगा, हेडलाइट आपको हैलोजन मिल जाएगी, इंडिकेटर आपको बल्ब मिलने वाले जो कि कुछ ऐसे रहने वाले हैं। और यहाँ पे आपको क्रोम वर्क देखने को मिलेगा जो कि देखने बहुत ही अच्छा दिखता है, होंडा की ब्रांडिंग मिल जाएगी। सो ये बाइक सामने से कुछ ऐसे दिखने वाली। मिरर की बात करें तो आपको कुछ ऐसे मिरर मिल जाएंगे जो कि आप देख रहे हो, अलग सा टेक्सचर मिलने वाला है। हेडलाइट मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। सो हेडलाइट के लिए इंजन भी आपको ऑन करना पड़ेगा। 1 मिनट, साइड स्टैंड मैंने लगाया है शायद इसलिए ऑन नहीं हो रहा, साइड स्टैंड हटा देता हूँ और ये न्यूट्रल पर कर देता हूँ। न्यूट्रल पर हो गया और अभी ऑन कर देते हैं, काफ़ी अच्छी आवाज़ है। और सामने चल के देख लेते हैं हेडलाइट इसकी। सो ये रही हेडलाइट ऐसे कुछ दिखने वाली ऑन होने के बाद। हाई बीम कर देता हूँ, हाई बीम आपका यहाँ पे होगा, थोड़ा यूनिक तरीके से है। सो ये रहा हाई बीम पे ऐसे कुछ दिखने वाली है। इंडिकेटर ऑन कर देते हैं। सो ये रहा इंडिकेटर, ऐसे कुछ दिखेगा जो कि आपको बल्ब मिल जाएगा। और अभी हम रियर में चलते हैं, रियर का देख लेते हैं। टेल सेक्शन की बात करें तो ये भी आपको हैलोजन बल्ब मिलने वाला जो कि कुछ ऐसे दिखेगा। ये रहा रियर का इंडिकेटर, आपको कुछ ऐसे मिल जाएगा जो कि आप देख सकते हो। सो अभी हम बाइक को सबसे पहले ऑफ कर देते हैं, पहले किल स्विच एंड की से। और अभी हम चलते हैं इस बाइक के फ्रंट में। सो ये रहा इस बाइक का फ्रंट व्यू, ये बाइक फ्रंट से कुछ ऐसे दिखने वाली। इसके सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएंगे जो कि आप देख रहे हो, ज़्यादातर 125cc सेगमेंट में आपको यही सस्पेंशन मिलते हैं। और रियर की बात करें तो आपको हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिल जाएंगे जो कि ये भी काफ़ी कम्फर्टेबल सस्पेंशन होते हैं। और अभी बात कर लेते हैं इसके टायर की। टायर की बात करें तो आपको ट्यूबलेस टायर मिलने वाला, साइज आपको मिल जाएगी 80x100 के, जिसकी यहाँ पर आप देख सकते हो। और ब्रांड की बात करें तो आपको MRF ब्रांड का टायर मिल जाएगा और यही टायर साइज आपको रियर में भी मिलने वाला, सेम टायर साइज आपको मिल जाती है। कुछ लोगों की शिकायत रहती है रियर का टायर थोड़ा सा वाइड हुआ, लेकिन रियर का टायर अगर वाइड हो जाएगा तो इसकी माइलेज भी कम हो जाएगी। इसमें आपको काफ़ी अच्छा माइलेज मिलता है इंजन परफॉर्मेंस के साथ में। सो रियर का टायर भी आपको सेम ही मिलने वाला 80x100 का। और व्हील की बात करें तो आपको अलॉय व्हील मिल जाएगी, 17 इंच रहेगी। फ्रंट एंड रियर दोनों का साइज सेम ही रहने वाला है। ब्रेक की बात करें तो आपको इसमें दो ऑप्शन देखने को मिलता है। पहला आपको डिस्क मिल जाएगा जिसकी साइज आपको फ्रंट में मिलेगी 240mm की, और रियर में आपको ड्रम मिल जाएगा 130mm का। और दूसरा वेरियंट आपको ड्रम ब्रेक मिल जाएगा जिसमें आपको फ्रंट में एंड रियर में दोनों में आपको 130mm का ड्रम देखने को मिल जाएगा। अगर हम इसके ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो आपको मिल जाता है सीवीएस, जैसे बोलते हैं कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। अगर आप रियर का ब्रेक अप्लाई करोगे तो आपका अगला ब्रेक भी लगता है 40%, 30% या 50%, जैसी स्पीड होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और निफिन का आपको यहाँ पे ब्रेक कैलपर मिल जाते हैं जो कि एक अच्छा ब्रांड है। सो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएगा। और ये रहा इसका मडगार्ड, आपको फुल ग्रे कलर एंड ग्लोसी फिनिश में मिलने वाला है। ये रहा इसका कैटलेटिक कन्वर्टर जो कि कुछ ऐसे है। और ये रहा इस बाइक का इंजन जो कि कुछ ऐसे दिखने वाला है, फुल ब्लैक कलर में आपको मिल जाएगा। और इस बाइक में आपको किक मिलेगी। और ये रहा इसका ब्रेक पैड, ये रहा राइडर फुटरेस्ट। सो इधर से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है। और यहाँ पे आपको हॉर्न मिल जाएगा जो कि आप देख रहे हो, और इधर से बाइक कुछ ऐसे दिखेगी। और यहाँ पे आपको क्लासिक से कुछ स्टिकर वर्क देखने को मिलेंगे जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, खासकर इसका होंडा का लोगो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे आपको क्रोम वर्क देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको 125 की ब्रांडिंग मिल जाएगी एंड ऐसा कुछ स्टिकर वर्क। और सीट काउल की बात करें तो आपको यहाँ पे आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा, साइन की ब्रांडिंग और ऐसा कुछ रहने वाला, सिंपल सा। ये लुक मुझे बहुत अच्छा लगता है, खासकर ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। और
और इसके इंजन की अभी हम बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। एक बात मैं आपको बता दूँ, ये 125 सीसी का बेस्ट इंजन है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलता है। अगर आप एक ऐसी बाइक देख रहे हो जिसे आप लॉन्ग लाइफ चलाना चाहते हो, तो ये बाइक आपके लिए बेस्ट रहने वाली है एंड परफेक्ट रहेगी। इसके इंजन की बात करें तो आपको इंजन मिल जाएगा 124 सीसी का, जिसकी पावर आपको मिलने वाली है 10.74 पीएस एट 7500 आरपीएम, और आपको टॉर्क मिल जाएगा 11 न्यूटन मीटर एट 6000 आरपीएम। इससे आपको सिंगल सिलेंडर फोर स्टॉक टू वाल्व एयर कूल एफआई, और साथ में आपको मिल जाता है 5 स्पीड गियरबॉक्स। होंडा की ब्रांडिंग, होंडा का इंजन होता ही दमदार, चाहे किसी भी बाइक का आप ले लो। सो इधर से बाइक कुछ ऐसी दिखने वाली है। इस बाइक के फुल व्यू की बात करें तो ये बाइक राइट साइड से कुछ ऐसी दिखने वाली है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना ये बाइक आप लोगों को कैसी लगी। ग्राफिक्स में तो कोई भी चेंजेस नहीं किए, डिजाइन में भी कोई भी चेंजेस नहीं है इधर से। और टैंक की बात करें तो ये रहा इसका टैंक। टैंक के बारे में आगे हम डिटेल से बात करने वाले, अभी हम चलते हैं इसके रियर वाले सेक्शन पे। सो रियर की बात करें तो ये रहे इसकी टेल लैंप, आपको हैलोजन मिल जाएगी, यहाँ पे नंबर प्लेट रिफ्लेक्टर, और ये रहा रियर का मडगार्ड, आपको कुछ ऐसे मिलने वाला है। सो रियर से बाइक कुछ ऐसे दिखेगी। अभी हम चलते हैं इस बाइक के लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड से बात करें तो आपको सेमी ब्रांडिंग मिल जाएगी साइन की, जैसे हमने उधर देखा था सीट काउल पे, और यहाँ पे आपको ऐसा कुछ सारी गार्ड मिल जाएगा। ये सारी गार्ड का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है, फाइबर एंड मेटल का, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कॉम्पैक्ट है। और ये रही आपकी चैन रैप, जिसे चैन कवर ने कवर की हुई है, और ये रहा आपका पिलियन राइडर फुटरेस्ट, जिसमें आपको साइड स्टैंड डुअल स्टैंड दोनों मिल जाएगा, साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर मिल जाता है। और ये रहा आपका गियर पैड। गियर बॉक्स की बात करें तो आपको मिलने वाला है 5 स्पीड गियर बॉक्स, जो लगेंगे पीछे की तरफ लगेंगे एंड आगे की तरफ उतरेंगे, राइडर फुटरेस्ट होंडा की ब्रांडिंग इंजन पे। सो ये रहा इंजन इधर से कुछ ऐसे दिखने वाला है। क्रोम वर्क जैसे हमने उधर देखा था, 125 की ब्रांडिंग एंड सेम स्टिकर वर्क होंडा की ब्रांडिंग जैसे हमने उधर देखा था। सो इधर से बाइक कुछ ऐसे दिखेगी, लेफ्ट साइड से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है, अभी आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाएगा। सो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना ये बाइक आप लोगों को कैसी लगी। और अभी बात कर लेते हैं इस बाइक की सीट की। आपको इस बाइक में ऐसी कुछ सीट मिलने वाली है, सिंगल सीट मिल जाएगी, जो कि काफ़ी कम्फर्टेबल रहने वाली है पिलियन राइडर एंड राइडर के लिए। इसमें आपको अच्छा खासा कम्फर्ट मिलने वाला है, और आपको ऐसा कुछ ग्रैब रेल मिल जाएगा। सो अभी बात कर लेते हैं इसके टैंक की। ये रहा इसका टैंक, जो कि इस बाइक की हाईलाइट है। मुझे इस बाइक जो होंडा लिखा हुआ है 3D में काफी अच्छा लगता है, और खासकर ये क्लासी वाले स्टिकर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इसकी एक टैंक की बात करें तो आपको मिल जाएगा 10.5 लीटर का, और इसकी माइलेज तो आपको काफी अच्छी मिलती है, 65 प्लस मिलती है, डिपेंड करता है आप चलाते कैसे हो। और इसकी परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है दोस्तों। और भी बात कर लेते हैं इसकी मीटर कंसोल की। टॉप स्पीड की बात करें तो आपको 5 किलोमीटर की टॉप स्पीड मिल जाएगी। और मीटर कंसोल अभी मैं ऑन कर लेता हूँ। सो ऑन होने के बाद कुछ ऐसे दिखेगा, यहाँ पे आपका स्पीड शो करेगा, ऑडोमीटर आपका मिल जाएगा, और ये आपका इंडिकेटर, अपर डिपर, साइन की ब्रांडिंग, फ्यूल का बताएगा, न्यूट्रल, साइड इंडिकेटर, ये इंजन माल फंक्शन लाइट, ऐसा कुछ आपको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलने वाले हैं। अगर ये थोड़ा चेंज हो जाए, थोड़ा डिजिटली ऐसा कुछ मीटर कंसोल हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अभी बात कर लेते हैं इसके थ्रोटल की। ये आपका हो गया थ्रोटल, ब्रेक लीवर, किल स्विच एंड सेल्फ का ऑप्शन आपको यहीं पर मिलने वाला है। और ये रहा इसका रेसिंग हैंडल बार, जो कि क्रोम फिनिश के साथ में आता है। और इधर की बात करें, ये आपका हो गया इंडिकेटर, ये आपका हॉर्न हो गया, काफ़ी अच्छा हॉर्न है, ये आपका अपर डिपर हो जाएगा, ये आपका हो गया क्लच लीवर। और मिरर आपको कुछ ऐसे मिलने वाले हैं, मैं सामने से दिखा देता हूँ। पहले तो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये कुछ ऐसे रहने वाले हैं। अभी हम इस बाइक के डायमेंशन की बात कर लेते हैं। इस बाइक की लेंथ आपको मिल जाएगी 2046 mm, इसकी विड्थ है 737 mm, और इसकी सेडल हाइट आपको मिल जाएगी 791 mm, और इसका ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलने वाला 162 mm, और इसकी हाइट जो है 1116 mm है, और इसका व्हील बेस आपको मिल जाएगा 1285 mm, और इस बाइक का वेट आपको मिलने वाला 115 kg। और दोस्तों, अगर आप देख रहे हो एक ऐसी बाइक 125 cc की, जिसे आप लॉन्ग लाइफ चलाने चाहते हो, मतलब काफ़ी लंबा चलाना चाहते हो एंड बेचने का आपका इरादा नहीं है, और अच्छी खासी आपको परफॉर्मेंस मैटर करती है, मतलब आप थोड़ा बहुत लॉन्ग राइड भी करना चाहते हो एंड सिटी राइड भी करना चाहते हो, मतलब डेली जॉब के लिए आना जाना चाहते हो, सो ये बाइक आपके लिए परफेक्ट रहेगी। साथ में आपको अच्छा खासा कम्फर्ट भी मिल जाएगी पिलियन राइडर एंड राइडर के लिए, और एक लुक भी इसका बहुत अच्छा है। मुझे इस बाइक का लुक काफ़ी अच्छा लगा, एक डिसेंट सा लुक आपको मिल जाता है, जो कि कोई कभी तक देखेगा तो बोर नहीं होने वाला है। कितने भी टाइम तक अगर आप इस बाइक को देखते हो तो आपको बोर नहीं होने वाला। नहीं तो कुछ बाइकें होती है ना, कलरफुल होती हैं, कुछ अट्रैक्टिव डिज़ाइन होता है, लेकिन कुछ दिन बाद देखते 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 बोर होने लगता है। सो ये बाइक उनके लिए परफेक्ट रहने वाले जो इस बाइक को काफ़ी लंबा समय तक चलाना चाहते हैं एंड ज़्यादा फीचर्स उनको नहीं चाहिए, सिर्फ बाइक चलाना आने जाने के लिए, एंड इनको परफॉर्मेंस मैटर करता है। सो ये बाइक उनके लिए बेस्ट रहेगी, क्योंकि होंडा का इंजन होता ही है बेस्ट अपने सेगमेंट में। और दोस्तों, इसकी प्राइस की बात करें तो ऑन रोड आपकी बाइक पड़ने वाले 95,000 की, विद एसेसरीज, हेलमेट, पार्किंग कवर, सीट कवर। सब जगह का प्राइस अलग अलग होता है, सो उसके लिए मैं कन्फर्म नहीं बोलूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है सब जगह में प्राइस। बाकी यहाँ का आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पर, आप कॉल कर सकते हो। और इसमें चेंजेस सिर्फ यही हुए हैं, साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर मिल जाता है, और एक नया कलर आया है, उसका वीडियो मैं बना दूंगा अगर वो बाइक शोरूम पे आएगी तो। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताओ ये बाइक आप लोगों को कैसी लगी। इसमें अपडेट तो काफ़ी सारे होने चाहिए थे, लेकिन नहीं हुए हैं। सो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।